है ये सूचना है, एक गाड़ी अपाची गायब हो गई है, अगर कोई भूल से ले गया हो तो भैया वापस कर दो। गाड़ी नंबर 0563 अपाची है, और जितने हमारे दर्शक आए अपने अपने वाहन की सुरक्षा स्वयं करेंगे। मैंने पहले भी कह दिया था कि हमारा आयोजक मंडल उसका जिम्मेदार नहीं है। कोड नंबर 2 पे चूना डलवा दीजिए भैया, कोड नंबर 2 पे चूना डलवा दीजिए, और तेरे देवधानी जीती है ना। प्रयागराज का खाता खुल चुका है, जबकि वाराणसी अपने पहले पॉइंट के लिए जिद्दोजहद करते हुए संभवतः एक पॉइंट आने वाला है। इस तरीके से दोनों टीमों का स्कोर खुल रहा है इस समय, एक एक पॉइंट। देखिए आजाद बड़ा मुकाबला है, ये सेमीफाइनल का मुकाबला है, लंबा मैच चलेगा, शुरुआती छछाते की परखेगी, उसके बाद निश्चित तौर पर आक्रमण करेंगी। जी बिल्कुल, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा तफजल भाई, पहला हाफ पहले हाफ का खेल बहुत कुछ निर्भर करने वाला है, यहाँ पर उतना नुकसान होना है यहाँ पर। जी बिल्कुल, रमेश भारती जरूर है, लेकिन क्या वो रिवाइव करा पाएंगे, चूंकि दो खिलाड़ी इस समय अजमल खान मार्केट में 100 रुपए इनको दूध पीने के लिए दिया है, इनको मत दूध दूध पीने के लिए। चलिए खान मार्केट डायरेक्ट पर इस समय बनारस का रेडर निश्चित तौर से एक मेल रेडर है। अगर तबजुल भाई इनको बेंच पर भेजा गया, अब यहाँ मुश्किल होना है वाराणसी के लिए। जो मेन रेडर है उनको बेंच पर भेज दिया गया है, सिर्फ 4 खिलाड़ियों के साथ इस समय डिफेंड करती हुई। तो टच कर लिया है यहाँ पर, एक और पॉइंट आता हुआ प्रयागराज के लिए। 2 का स्कोर, 5-2 का स्कोर इस समय, जबकि पहले हाफ का खेल चल रहा है। पहले हाफ के खेल में थोड़े से पीछे नजर आती हुई वाराणसी की टीम, जब आप इतनी सुस्ती बरतेंगे तो नतीजा यही होगा तफजुल भाई, जो आपको देखने को मिला है। सेम कहानी दोहराई जा रही है, इसी तरह पहले हाफ में ऑल आउट हुई थी टीम बनारस। बिल्कुल पहलवान को यहाँ पर धूल चटाया था, जिससे 2 पॉइंट मिले यहाँ पर। 6-4 का स्कोर इस समय रेडर, हालांकि रेडर जो बाहर बेंच पर बैठे हैं उनको कहीं ना कहीं रिवाइव करा रही होगा वाराणसी के डिफेंडरों को। चलिए एक सुपर टैकल तो कर चुकी है बनारस की टीम, एक और सुपर टैकल इस समय ऑन रेडर, कोशिश करता हुआ कोई टच पॉइंट लिया जाए। 3 ही खिलाड़ी डिफेंड करते हुए, 2 और 1 एक ग्रुप में इस समय कोशिश जारी। क्या यहाँ एक और, यस यहाँ पर एक सेल्फ आउट होता हुआ खिलाड़ी, विल पार के उनका पैर गया वहां पर लाइन में मुस्तैद, जबकि कोर्ट फुल हाउस है इस समय प्रयागराज का। निश्चित तौर से यहाँ पर चाहेंगे रेडर के कुछ पॉइंट लेकर के आया जाए, बिल्कुल यहाँ पर लेफ्ट इन रमेश भारती का शिकार किया गया वहां पर रोहित, एक बार तो सुपर टैकल इन्हें किया जा चुका है, क्या दूसरी बार यहाँ पर रोहित को सुपर टैकल किया जाएगा। सवाल यहाँ पर एक और अटेम्प्ट, गलत टैकल का प्रयास निश्चित तौर पर, लेकिन इस बार मोहित को कामयाबी मिली है, एक और पॉइंट आता हुआ है। आउट के बहाने पर खड़ी है टीम, लेकिन क्या आउट को टाल पाएंगे। यस डैश की किया गया यहाँ पर, तो ऑल आउट अब यहाँ पर होती हुई टीम। आजाद मैं आपको बता दूं, क्वार्टर फाइनल में सेम यही कहानी चली थी, जब ऑल आउट हुई थी टीम पहले हाफ में, लेकिन क्या जबरदस्त अटवार किया था वहां। समय है तो
बजुल भाई, समय की कोई कमी नहीं है लेकिन खेल के प्रदर्शन तो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि बनारस के खिलाड़ी किस खेल के स्तर क्या होगा। अगर खेल का स्तर ऊंचा लेकर के जाते हैं तो कहीं ना कहीं रिकवर किया जा सकता है जो पॉइंट है। बिल्कुल, इस रेडर को वहां पर कामयाब होना पड़ेगा निश्चित। पूरे देवजानी दोनों कैप्टन से आग्रह है कि वो कोड नंबर 2 पर आ जाए। मदन मोहन मालवीय स्टेडियम प्रयागराज वर्सेस, इधर एक हाई वोल्टेज मुकाबला सेमी फाइनल का मुकाबला चलता हुआ इस समय इस कोड पर। यहाँ टू कैच, रमेश भारती बिल्कुल ठीके नजर आ रहे हैं, लगातार उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आजाद, निश्चित तौर पर वो हालांकि रोहित मेन रेडर है, उनके निश्चित तौर पर बोनस अटेम्प्ट किया और यहाँ पर स्वीकार किया गया। जी बिल्कुल, 6 खिलाड़ी है इस समय कोर्ट पर, तो बोनस आ रहा है, क्या बोनस के जरिए भी पॉइंट लाया जा सकता है तबजुल भाई। लेकिन 6-14 का स्कोर है इस समय, अटेम्प्ट किया गया लेकिन संभवतः वो अटेम्प्ट स्वीकार किया जाएगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। या भी बोनस बिल्कुल, लेकिन वक्त की कमी नहीं है यहाँ पर निश्चित तौर पर, लेकिन इस तरह तो कह सकते हैं लाइट लग गई है तो कहीं ना कहीं दूसरी ऑल आउट की तरफ पड़ जाएगी क्या बनारस। बिल्कुल, और अगर दूसरी बार ऑल आउट हुई तो फिर पलटवार करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, खास करके प्रयागराज जैसी टीम के खिलाफ। जी बिल्कुल, जब आपके सामने वो टीम हो जो बिल्कुल चढ़कर खेल रही हो तो उसके खिलाफ आपको पलटवार करना इतना आसान काम नहीं होगा, जब आप इतना ज्यादा पीछे निकल जाएंगे तो। फिलहाल लेकिन क्या खूबसूरती के साथ टैकल किया गया, कोई मौका नहीं रेडर के पास। लगा था कि ये दो टीम फाइनल में जाएगी और लगभग वही कहानी हो रही है इस समय। जी बिल्कुल, दोनों ही टीमें, हालांकि मेरठ की टीम जो है कहीं ना कहीं इस मुकाबले में होती तो नजारा कुछ और होता। जी हाँ, लेकिन टाई का नसीब है जिससे मेरठ की टीम कंचित इस वक्त होती यहाँ पर। क्या बात है, क्या बात है भाई, बस 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 बस, चलिए खिलाड़ी है जितना होता जाता रहता है। इस समय ऑल आउट करने का चांस भी बड़ा है क्योंकि उनके मेन रेडर बाहर रह चुके हैं, रमेश भारती भी बाहर ही है। नहीं, रमेश भारती आ चुके हैं लेकिन रमेश भारती बहुत पहनापन उनको दिखाई भी नहीं दे रहा है। समय मौका है यहाँ पर टीम बनारस के पास, क्या पिछले मैच की तरह पलटवार करेगी ये टीम, सेफ रेड करके वापस जाना चाहते हैं रमेश। हाथ में काफी पीछे है बनारस की टीम। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यहाँ पर कोशिश करना होगा और इस कोशिश में यस कामयाब होता हुआ सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं बनारस के कैप्टन, दिलों की धड़कनों को रोक देने वाला किसी रमेश भारती अकेले, हालांकि रमेश भारती के पास वो कम कम है तबजुल भाई। देखिए आप कम है थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन टाल सकते हैं ऑल आउट कर सकते हैं जब बनारस की टीम इस तरह चढ़ कर। जी बिल्कुल, 2 पॉइंट की लीड अभी भी प्रयागराज के पास है लेकिन जिस हिसाब से पलटवार किया है यहाँ पर बनारस के टीम उसको देखते हुए बहुत ज्यादा नहीं समझा जा सकता था तबज्जुल भाई। बिल्कुल है, लोकेश ठाकुर ने रमेश भारती का शिकार किया, लोकेश भारती पूरी तरीके से ठीक नजर आए हैं लेकिन इस समय मैच अगर कह सकते हैं तो रोहित के ऊपर डिपेंड कुछ निर्भर करेगा। प्रयागराज का खेल इनके ऊपर बिल्कुल मेन रेडर है वो, अगर यहाँ से निश्चित तौर से अगर यहाँ पर रोहित जायसवाल का शिकार कर लिया गया, बेंच पर भेज दिया गया तबज्जुल भाई, तो बड़ी क्षति बड़ा नुकसान हो सकता है यहाँ पर मेरठ। बिल्कुल, इसी शिकार के चक्कर में होगी टीम बनारस निश्चित तौर पर, लेकिन इस समय निश्चित तौर से अच्छे रेड करते हुए पिछड़ा एक कामयाब रहा था लोकेश का, एक बार फिर से रिजवान भी लेफ्ट कॉर्नर पर हाथ आजमाया जरूर था, उन्होंने लंबा स्ट्रेच करते हुए हैंड टच की कोशिश लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई दूसरे अटेम्प्ट के लिए। लेकिन ये भी आता हुआ दोनों टीमें जी तोड़ कोशिश करती हुई इस मुकाबले को जीतने के लिए। जी बिल्कुल, मोहित जायसवाल इस समय न केवल सेफ खेल रहे हैं बल्कि उनको भी पता है यहां से प्रयागराज के लिए खतरे की घंटी।
स्कोर भी बराबर हो चुका है तमदुर भाई। बिल्कुल आप प्रेस की बात मैं कर रहा था कि जब स्कोर बराबर हो जाएगा तो दोनों टीमें साथ में क्या किया जाए, लेकिन अब यहाँ से किस अंदाज में खेलेगी प्रयागराज की टीम ये देखने वाली बात होगी। रेड पर लोकेश आजादी की इम्तिहान है यहाँ रेडर के लिए, मुश्किल वक्त भी है। तमजुल भाई लोकेश एक अच्छे रेडर है, अगर ये भी बेंच पर जाते हैं तो बनारस के लिए नुकसान हो सकता है। यस काउंट हो रहा है कि कौन जाएगा, कितने प्लेयर सेल्फ आउट संभवतः एक खिलाड़ी हुआ है। चलिए दो पॉइंट यहाँ पर मिला है तो पहली बार बनारस लीग में। हेलो मदन मोहन मालवीय स्टेडियम प्रयागराज के कैप्टन से आग्रह है कि कोर्ट नंबर दो पर आ जाए मदन मोहन मालवीय स्टेडियम प्रयागराज। चलिए एक आराम लिए चलते हैं एक हाई कोर्ट मुकाबले के लिए। सर चल के पॉइंट आया है 20-21 का स्कोर, 20-21 टीम लग भी रही है, लेकिन मुश्किल ये है तुम कह सकते हैं प्रयागराज के लिए कि आजाद सिर्फ तीन खिलाड़ी कोर्ट में बिल्कुल यहाँ पर आ गए, लेकिन ये फायदा ये भी हो सकता है अगर सुनाया है खिलाड़ी रेडर की भूमिका निभा रहा था इस समय। चलिए क्या कहते हैं कि जब वक्त खराब होता है तो सब कुछ खराब होता है, आमतौर से ये डिफेंडर है लेकिन रेड की जिम्मेदारी समय के कम होता है, हर पर मौका खेल दिखाना ही होगा उन्हें कहीं ना कहीं। अरे क्या वक्त ही हुआ पड़ा है इस समय, क्या रिवाइव करवा पाएगा ये रेडर कोई खिलाड़ी, तमजुल भाई सख्त जरूरत भी है रिवाइवल की निश्चित तौर से। भारती को यहां पर रिवाइव कराने में कामयाब रहे हैं, लेकिन रमेश भारती का दिन आज काफी खराब रहा है, अभी तक कोई पॉइंट उन्हें मिला भी नहीं है। आइए टच पॉइंट, यस यहां पर एक टच पॉइंट चाहता हूं अपना। बिल्कुल बहुत मुश्किल समय है इस समय पर प्रयागराज है, उन्होंने वो स्वीकार किया है। पॉइंट 21-23 दो पॉइंट की बढ़त है बनारस के लिए। ये बिल्कुल बनारस के वो गुरु जी भी है, उनके कोच है, इस समय पिछले निर्देश देते हुए 5 मिनट गेम में और बाकी है आजाद। जिस तरह इस समय सर चढ़कर जादू बोल रहा है यहाँ पर बनारस की रमेश भारती एक डल कॉन्फिडेंस के साथ इस समय मैदान पर है, डल कॉन्फिडेंस कहा जा सकता है क्योंकि तमजुल भाई आज का दिन उनका काफी खराब रहा है। यहाँ पर क्या कोशिश करते हुए रमेश भारती, लेकिन शिकार किया गया है यहाँ पर एक पॉइंट और आता हुआ। चंदन वर्मा ने क्या कमाल का खेल दिखाया है आज के दिन, कैप्टन है आजाद से लीड भी कर रहे हैं अपनी टीम को, अकेला चराग बचा है, बोनस से कुछ हो नहीं सकता, रिवाइव करवाना होगा। बोनस दिया गया 1+2 पॉइंट, टाइम आउट लिया गया है। चलिए टाइम आउट लिया गया है, रणनीति बनाते हुए इस अंतिम क्षणों के लिए 27-22 मेडल की भूमिका में है, अब 4 पॉइंट 1-2 पॉइंट रही रही के सवाल। चलिए नेट एम्प्टी गई है यहाँ से, आप बोनस सुन के खेल भी नहीं सकते हो। एक मिनट के लिए खेल रोक दिया जाए, मदन मोहन मालवीय इस समय पूरे बेजानी मैच कोर्ट नंबर 2 पे होने जा रहा है, मुश्किल वक्त है, लाइफ लाइन मौजूद है। चलिए लीग अब 4 पॉइंट हो चुके हैं, एक
की है बनारस की टीम, उस रेडर का शिकार किया है जो ये पलट सकता था मैच। चलिए तो यहाँ पर तो कहानी इस समय बस कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन खास तौर से बनारस का, जिस हिसाब से पीछे चल रही थी टीम उसके पास कम बैठ करके न केवल कम बैठ किया था फजल भाई, इतनी मजबूत लीड भी बना दिया है क्या इससे। समझौता आप नहीं थे, मैं क्वार्टर फाइनल का वो मुकाबला देखा था जहां पर राजस्थान से इनका मुकाबला हुआ था, इसी तरह पहले हाथ में भी खेल थी, बिल्कुल बहुत ही लाजवाब बहुत उमदा प्रदर्शन इस समय का, और दर्शकों का भी दिल दर्शकों की फेवरेट टीम बनती जा रही है बनारस जिला अपने खेल। एक मिनट बाकी है इस मुकाबले में, अब लास्ट वन मिनट, ओनली वन मिनट। हालांकि अब बना रहो सुपर टैकल हुआ है यहाँ पर, सुपर टैकल, क्या ये सुपर टैकल कुछ मौका देगा यहाँ पर पलटवार करने का, क्या भल्क में पॉइंट ला सकते हैं रमेश भारती। समय बहुत कम बचा है, बिल्कुल और यस एक पॉइंट आता हुआ सुपर टैकल होगा। चलिए